देखते हैं कैमरा में हम लोग पूरा दिख रहे कि नहीं गाइस। क्या दिख रहा हूँ सर नहीं कट रहा है ना, सर नहीं कटना चाहिए बस, क्योंकि ये सब तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सर कट जाएगा तो बहनचोद मेरा मुंह ही नहीं दिखेगा। लास्ट टाइम तो थोड़ा सर कट रहा था, देखो अभी कट रहा है, अभी अब देखते हैं। यस तो गाइस फाइनली अभी मेरा सर नहीं कट रहा है, अब इसको लेते थोड़ा पास। और जो आज की खास बात है वो ये है कि अपन ने लिया है कैमरा सोनी का, ZV-E10L कैमरा का नाम है ये। इसके पहले मैंने एक और कैमरा लिया था जिसका नाम था निकॉन, उसका सिर्फ बैंड बच गया गाइस। तो उसका स्टोरी मैं बता देता हूँ फटाफट आपको कि ये जो कैमरा लिया था मैंने 75,000 में, उसको एक महीना भी यूज़ नहीं किया, और EMI भी लिया था, EMI शायद अभी जाके ख़त्म हुआ है। और उसको मैंने एक एयरपोर्ट में भूल के आने की वजह से एयरपोर्ट में भूल गया, और उसके बाद फिर मैं सोचा मेरा ब्लॉगिंग का करियर एंड हो गया। लेकिन फाइनली अभी थोड़े बहुत पैसा जमा करके मैंने ये कैमरा लिया है जिसका नाम है सोनी ZV-E10L। तो ये कैमरा का खास बात ये है, ये स्पेशली ब्लॉग के लिए बना है। वैसे तो आईफोन में भी अच्छी क्लैरिटी है, लेकिन मेरे को लगता है कैमरा बेस्ट है। कितना भी अच्छा फ़ोन ले लो, कैमरा जैसे क्लैरिटी कोई चीज़ का नहीं होता है। तो इसका पहले बता देता हूँ ना आप लोगों को क्या क्या चीज़ आया है इसमें। भाई ये तो अपन ने एक महीना पुराना लिया है गाइस, एक दोस्त से लिया मैंने खरीद के, लेकिन आप लोगों को बताना इंपॉर्टेंट है ना। और मैं झूठ क्यों बताऊँ मैंने नया लिया है, नया क्यों लिया, लेकिन प्राइस महंगे में दिया है गाइस उसने, मेरे को महंगे में दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये सब चीज़ें इसमें आया है, 2 साल की वारंटी है, ये सब तो लॉर्ड मैं देखता नहीं हूँ। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ इस कैमरे की खासियत, इस कैमरे की खासियत क्या है ये तो अभी मैं देखूंगा ना, फिर पता लगेगा मेरे को। लेकिन मैं बस ये चेक करना चाहता था, ये छोटा सा व्लॉग बनाऊंगा बस, जिसमें मैं लिखूंगा अनबॉक्सिंग माय न्यू सोनी कैमरा। हेलो गाइस, तो इसका सबसे अच्छी बात ये है, मेरे को कैमरा में मेन चीज़ जो चाहिए था वो ये है कि इसका जो स्क्रीन है ना वैसे सीधा हो जाना चाहिए। आईफोन का जो फ्रंट कैमरा है इतना अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, और बैक कैमरा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उसमें उल्टा करना पड़ता है। उल्टा करने की वजह से अपना अपना थोड़ा नहीं देख सकते। अभी इसमें कैसे मैं खुद को देख के ऐसा फूल जैसे ब्लॉक कर सकता हूँ। गाइस गाइस क्या दिख रहा हूँ। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि भाई कितना भी अच्छा आईफोन बना ले, कोई भी फ़ोन कितना भी अच्छा कैमरा बना ले, लेकिन कैमरा जैसे क्लैरिटी तो कोई अचीव नहीं कर सकता। अभी देख लो आप लोग, इसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं इसमें भी रिकॉर्ड करूँगा, और फिर देखेंगे कि किस में बेटर आ रहा है, कहीं आईफोन ना जीत जाए भैंसो। चीटिंग करता है तू। वैसे तो मेरे को लगता है रात के लाइट में है ना आईफोन का थोड़ा अच्छा है। और क्या बताने का कैमरा के बारे में, ये देखो ये अच्छा दिख रहा है इसमें, ये आईफोन में अच्छा दिख रहा है। बंद करो। थोड़ी देर बाद अपन ये फ़ोन रखेंगे, ये नहीं ये कैमरा रखेंगे, यार फ़ोन क्या करेंगे समझ रहा नहीं मैं। तो गाइस बस इतना ही, ये है अपना नया कैमरा जिससे अपन अब वर्कआउट का वीडियो शूट करेंगे। मेरे को स्पेशली अब ज़्यादा है ना वर्कआउट में इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि मेरा बॉडी अभी अच्छा ज़्यादा श्रेड हो रहा है, और दूसरी बात मेरे को व्लॉगिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। व्लॉगिंग है ना मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पहले से है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ क्योंकि बस एक ही रीज़न है कि मेरे को एडिट करने में जो बहुत बोर होता है, एडिट नहीं कर पाता हूँ मैं। तो गाइस अभी ये कैमरा सामने रखते हैं थोड़ी देर में, और देखते हैं कि आईफोन का क्लैरिटी अच्छा है या इसका क्लैरिटी अच्छा है। छोटा सा व्लॉग में बस चेक करेंगे आईफोन 15 वर्सेस सोनी ZV-E10। ठीक है, अभी आपने ये तो देख लिया ना ठीक से, अभी देख लो इतना पास से भी देख लो, और ये कैमरा भी अच्छे से देख लो, क्योंकि ये कैमरा से तो ये मैं कैमरे को दिखा नहीं सकता। अगर ये कैमरा रखूंगा और कैमरा का अनबॉक्सिंग कैसे करूंगा जब कैमरा में ही कैमरा शूट हो रहा है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। अरे देखो, देख लिया अभी इसका ये स्क्रीन है, ऐसा सीधा किए तो ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पे मैं दिखूंगा, यहाँ पे मैं दिखूंगा, दोनों जगह मैं दिखूंगा, ये मेरे को लेगा और यहाँ पे भी दिखाएगा, समझ गया ना आप लोग लॉजिक। तो अनबॉक्सिंग करने में मैं बहुत ज़्यादा मूव हूँ, ये टेक्निकल चीज़ें मेरे को नहीं समझती इतना, मेरे को बस नॉर्मल समझता है कि ये कैमरा बेस्ट है। और इसमें 15mm का लेंस है, 50mm का लेंस है जो वाइड एंगल लेंस है। वाइड एंगल लेंस सिर्फ व्लॉगिंग के लिए यूज़ होता है, और अगर मेरे को ऐसा सिनेमैटिक शूट करना है तो उसके लिए मेरे को एक और लेंस लेना पड़ेगा जो जूम करके सिनेमैटिक शूट करता है। लेकिन मेरे को नहीं लगता अभी मेरे को रिक्वायरमेंट है, जब तक 1 मिलियन नहीं हो जाते तब तक मैं कुछ नहीं लेने वाला हूँ। कुछ नहीं एडिट करने के लिए मेरे पास तो मैकबुक ऑलरेडी है ना, और ये कैमरा तो ले लिया, आईफोन 15 प्रो है, नेक्स्ट मंथ 16 प्रो तो ले ही लूँगा। फकिंग रिच। सिट। तो ये कैमरा भी सामने रखते हैं और चेक करता हूँ ये फुटेज पहले कैसे आया है। मेरे को लगता है ये कैमरा लेके ही गलती कर दिया मैंने। तो गाइस अभी हो रहा है ये जो शूट वो कैमरा में,
और इसके पहले शूट हो रहा था फोन में, अभी चेक करते अपन दोनों में कितना ज्यादा डिफरेंस है। तू देखना चाहेगा कि इस कैमरे को कैसे दिख रहा है तू कैमरा में? चलिए आ जा टी शर्ट पहन के। हम लोग अभी सिर्फ 2-3 मिनट का ही ब्लॉग बना रहे हैं और फिर उसके बाद खत्म कर देंगे। आज सिर्फ अनबॉक्सिंग दिखा रहा था और ये जो है थोड़ा टेक्निकल ब्लॉग बनाएंगे जिसमें मैंने कंपेयर किया है 15 प्रो को और सोनी ZV-E10 को। ये इसका बॉक्स है। तो गाइस अभी कैमरा में शूट हो रहा है तो मैं आप लोगों को कैमरा कैसे दिखाऊं, क्योंकि कैमरा में ही कैमरा का अनबॉक्सिंग शूट हो रहा है। बात तो सही है। मेरे को लगता है कि लो लाइट में है ना 15 प्रो का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू सोनी के कैमरा से। लेकिन जो सुबह सुबह ऐसे शूट करने में है ना, सबसे मेन चीज़ ये है कि इसका फ्रंट कैमरा बहुत फक है। इसके फ्रंट कैमरे में शूट ही नहीं कर सकते गाइस अपन। इसके फ्रंट कैमरे में शूट किया ना तो फटने लगता है। और बैक कैमरे में शूट कैसे करेंगे? बैक कैमरा को देखेंगे या अपने आप को देखेंगे? अपने आप को तो देख नहीं सकते और बैक कैमरे में शूट करेंगे तो समझ में नहीं आएगा एंगल कैसा है। अब इसमें तो प्रॉपर एंगल समझ में आएगा ना अपने को। देखा अभी इसका तो फ्लेक्स हो गया। अभी इसमें चेक करते हैं। इसमें गाइस ये अभी मैं अपने फोन में शूट कर रहा हूँ और आप लोगों कैमरा का लाइट कम लग रहा होगा लेकिन कम नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि उसका सेटिंग के बारे में मेरे को कुछ मालूम नहीं है। उसमें आईएसओ वगैरह ऊपर नीचे किया ना तो भाई इससे भी अच्छा क्वालिटी आता है उसमें, मेरे को मालूम है। अभी मैंने चेक किया एडिट करते टाइम पे तो आईफोन जीत गया और वो कैमरा का क्वालिटी थोड़ा लो लग रहा था। लेकिन नहीं 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 गाइस, कैमरा तो कैमरा होता है और इसमें कैसे ऑटोमेटिक रहता है ना सब आईफोन में, तो इसलिए मेरे को लगता है क्लैरिटी अच्छी है। लेकिन उसका क्लैरिटी ज़्यादा बेटर है। अपन कल जाके जिम में चेक करूँगा मैं और फिर आप लोगों को कल पता लगेगा किसका कैमरा अच्छा है। आईएसओ वगैरह बढ़ाने से ना नाइट में भी अच्छा आता है। उसमें थोड़ा डार्क लग रहा है ना, उसमें डार्क अभी लग रहा है क्योंकि उसका आईएसओ मैंने एडजस्ट नहीं किया है। अभी कल मैं जिम में जाके सीखूंगा ना मेरे एक दोस्त से, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो कैमरा बेस्ट क्यों है। और उसके बाद भी अगर उसमें नहीं हुआ तो भाई दे देंगे ऑफिस, इसमें ही शूट करेंगे।